अरे ललुआ बैठा क्या रे, फोन करो अपना चाचा को, मंगाओ स्कूटी, चलना भी है घूमने। हाँ हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं। हेलो चाचा। हाँ बेटा ललुआ बोलो, काहे कॉल किया रे? वो चाचा मैं पूछ रहा था स्कूटी आप ही ले गए हैं? अरे हाँ हाँ हम ही ले गए हैं, क्यों पूछ रहे हो? कोई जरूरी काम आया होगा तभी ले गए होंगे चाचा। अरे हाँ हाँ जरूरी काम ही तो रहता हमको, हम फालतू काम के लिए लेके कहाँ जाते हैं। हाँ चाचा आप तो तभी ले जाते हैं जब आपको बहुत जरूरी काम होता है, तब तो आपको घर आने में लेट हो जाएगा। अरे हाँ हाँ लेट ही नहीं होगा, बहुत लेट होगा। हाँ हाँ चाचा आप जरूरी काम से गए हैं तो लेट तो हो ही जाएगा। चलिए आराम से आइएगा चाचा, ज्यादा तेज मत चलाइएगा स्कूटी, हमको आपकी बहुत चिंता रहती है। अरे हमको भी बेटा तुम्हारी बहुत चिंता होती है, इसीलिए घर पे स्कूटी छोड़ के नहीं जाते हैं, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए। चलो फोन रखो हमको काम है। अरे वाह रे ललुआ वाह, क्या एक्टिंग करते हो यार तुम, बहुत मस्त एक्टिंग करते हो भाई तुम। अभी अपना माइक के सामने तो ऐसे चिचिया रहे थे जैसे चाचा मिल जाएगा तो तुम्हारा चाकू उसका पेटे में घुस जाएगा, और अभी फोन पर तो ऐसे मक्खन लगा रहे थे, ऐसे मक्खन लगा रहे थे जैसे चाचा का तुम चमचा हो। कितना बढ़िया से बात कर रहा था, इतना जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता है जितना जल्दी तुम बदल लेते। अरे ललुआ। अरे चुप रहो ललुआ, इसको संस्कार कहते हैं, हम बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। अरे हाँ अरे ललुआ देखे थे थोड़ा देर पहले तुम्हारा तमीज, कितना बढ़िया तमीजदार थे तुम थोड़ा देर पहले, जब हम तुमको समझा रहे थे और तुम हमको चुप रहने के लिए बोले थे, इतना तमीज है तुम्हारे अंदर बड़ा से बात करने का, देखे अभी हम पीछे से खाली करी आते हो तुम, ये पता है हमको, कहे कि तुम्हारा आगे से फटता है ना। अरे हमारा फटता वट्टा नहीं है, हमको जब गुस्सा आता है तो ये घर कांपता है। अरे नहीं रे ललुआ घर नहीं कांपता होगा, तुम ही कांपता होगा, तुम्हारा बीपी बढ़ जाता होगा ना, ध्यान से देखना जब अगली बार गुस्सा है, देखना तुम ही कांपता होगा, तुमको लगता होगा कि घर कांपता है। अगर तुमको इतना ही गुस्सा आता है तो लगा फोन अभी अपना चाचा को और सुना दो चार बात, देखे हम भी कितना गुस्सा आता है ललुआ को। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, काला कद्दू चुप हो जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये ललुआ तो सही में हिल रहा था, इसको गुस्सा आता तो ऐसे हिलता है, इसका मतलब हम सही बोले थे कि घर नहीं हिलता यही हिलता है, ऐसे लगा जैसे इसको करंट लगा है 100 वाट का। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया, इतना गुस्सा किया लेकिन चाचा को फोन नहीं किया, अंदर चला गया। मम्मी समझा दो चाचा को, इस तरीके का हरकत दोबारा नहीं होना चाहिए घर में, बता दे रहे हैं ये कोई बात हुआ, जब मन करता है स्कूटी लेके चले जाते हैं, बेइज्जती हो रही है मेरे दोस्तों के सामने, उन्हीं को काम है, हम लोग को कोई काम नहीं है, हम लोग फालतू में लेके जाते हैं स्कूटी, अभी हम मुंह से बात कर रहे हैं, जिस दिन मेरा मुंह खुल गया घर के लिए अच्छा नहीं होगा, टूट जाएगा ये घर। ये ललुआ कन्या की तरह खाली लड़ाई करता है, अपना माई के पास चला जाता है, मम्मी 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 मम्मी, कब बड़ा होगा ये ललुआ समझे में नहीं आता है, ये बड़ा लोग का बच्चा सब ऐसे ही होता है, माँ बाप के पीछे घूमते रहता है, डिसीजन अपने लिए नहीं पाता है, कैसे खकर के बात करना है बातें नहीं करने आता इस लोग को। चलो अब जो भी करे माई बेटा लड़ते रहे, हमको यहाँ भूख लगा है, सारा हुआ सस्ता बिस्कुट रख के चला गया, एक काम करते हैं बगले में किचन है जाकर काजू पिस्ता तो होगा ही बड़ा घर है, जाकर खा लेते हैं, मुट्ठी भर के पॉकेट में भी डाल लेंगे, लेकर जाएंगे पापा को खिलाएंगे महंगा वाला काजू बादाम। ये किचन तो बड़ा बढ़िया बनाए लोग, पैसा वाला लोग का किचन भी बढ़िया होता है। ये क्या है बे, ये लोग का किचन में खाली बर्तन है, खाने पीने का सामान नहीं रखा है क्या, तो खाता क्या हवा खाता है क्या ये लोग, कैसा पैसा वाला किचन में खाने का सामान होना चाहिए, इतना बर्तन का क्या करेगा, दिखाने के लिए खाली रखा है क्या, जिस भी वार्डरोब को खोल रहे हैं सबके अंदर बर्तन ही पड़ा हुआ है, पता नहीं कैसा लिचड़ लोग है, नाम बड़े दर्शन छोटे, सोचे काजू पिस्ता मिलेगा तो खाएंगे पापा के लिए ले जाएंगे, यहाँ काजू पिस्ता तो क्या एक बढ़िया बिस्कुट तक नहीं मिल रहा है, लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ कर रहेंगे, किचन में नहीं मिला तो कमरा में घुस जाएंगे, कहे कि बड़ा लोग बहुत होशियार होता है, घर में ऐसे झगड़ा चलते रहता है, सबका पति अपनी पत्नी को लाकर देता है काजू पिस्ता और वार्डरोब में रखता है छुपा कर, किचन में नहीं रखता ताकि कोई खा नहीं जाए, वार्डरोब खोल कर देखेंगे वहाँ मिल जाएगा। उनसे तमीज से बात करते हैं तो उनको लगता है हम उनसे डरते हैं, डरते हम किसी से नहीं है, डरते तो हम अपने बाप से नहीं है, जो हमको खिलाता है उससे हम डरते नहीं है, और जो हमारा सामान लेके जाता है उससे डरेंगे, किसी दिन बढ़िया से सुना देंगे, आग तो मेरे अंदर बचपन से जल रही है उनको सुनाने की, और वो हवा पे हवा दिए जा रहे हैं, एक दिन ये आग सुलग जाएगी, बचपन से मेरे अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और ये निकल नहीं रहा है जिसकी वजह से मैं पेट निकल गया है। बेटा धीरे बोलो, चाचा अगर सुन लिए तो तुम्हारा कुछ और भी निकल जाएगा। अरे सुनते हैं तो सुने, डरते नहीं हैं हम किसी से, बोले ना आपको पहले भी, मेरे पेट निकलने का कारण भी चाचा है।
अरे ये ग्लास गिरने की आवाज तो किचन से आ रही है। किचन में कौन है मम्मी? कहीं भैया तो नहीं आ गए? कहीं भैया ने तुम्हारी बात सुन तो नहीं ली? मना कर रही थी कि धीरे बोलो। अरे मम्मी ये सब बात छोड़िए, चाचा कैसे आ गए? कैसे आ गए चाचा? वो तो बोले थे लेट होगा। इतनी जल्दी आ गए? हम मम्मी बाथरूम जा रहे हैं, चाचा अगर मेरे लिए पूछे तो बोलिएगा मैं बाथरूम में हूँ। हम बोले थे ना बेटा, चाचा अगर सुन लेंगे तो कुछ और निकल जाएगा। निकल गया ना बेटा, मेरी बात मानते हो कभी तुम? ए लड़का, तुम यहाँ क्या कर रहा है? ओ माँ, माँ हमको भूख लगी है, माँ कुछ बनाकर खिला दो। माँ आपका किचन में माँ खाली बर्तन पड़ा है, अफसोस हो रहा, आप लोग खाते क्या होंगे? और ये बर्तन कितना दिन से नहीं धोए हैं, काहे कि खाते नहीं है तो धोते भी नहीं होंगे। काजू पिस्ता कहाँ है माँ? खिलाइए माँ, गरीब का बच्चा है, खाएगा तो मस्त हो जाएगा, फिर आशीर्वाद देगा, आप लोग के घर का कलह कम हो जाएगा, एक जगह चार स्कूटी आ जाएगा, सब अपना चलाएगा। ऐसा की लड़का, तुमको बोले ना अपनी औकात से ज्यादा बात नहीं करेगा। चलो निकलो यहाँ से, बिना पूछे किसी के किचन में घुसा जाता है, इतना भी संस्कार नहीं सिखाया किसी ने तुमको? अरे माँ ये तो बाबूजी सिखाए नहीं, आप किचन का बात कर रही हैं, हम तो किसी का बेडरूम में भी घुस जाते बिना पूछे, फिर हमको बाहर निकाला जाता है जबरदस्ती। अरे चुप रहो घटिया लड़का। अरे ए ललुआ बाहर आओ रे, तुम्हारा चाचा नहीं आया है, और अपने दोस्त को देखो क्या कर रहा है। अरे चाचा नहीं आया मम्मी, अच्छा हुआ नहीं आया, नहीं तो आज सुन के जाता ऊपर, आज तो झगड़ा हो ही जाता। बेटा तुम्हारा झगड़ा नहीं होता, तुम्हारी वजह से हम लोग के बीच में झगड़ा हो जाता, क्योंकि तुम तो बरसाती मेंढक हो ना। मम्मी आप हमको अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। हाँ तुम्हारा एस्टिमेट बाद में देखेंगे, पहले तुम अपने दोस्त को देखो, किचन में चोरी कर रहा है। कैसे कैसे दोस्त को बुलाते हो घर में, चोरी करवा दोगे। मिल गया एक काजू। इसको काजू कैसे मिला? अरे मम्मी डस्टबिन से निकाला होगा, कल हमारे हाथ से गिर गया था ना, तो हम डस्टबिन में फेंक दिए थे, सोचे थे सुबह उठ के कुत्ते को खिला देंगे, चलो इसको मिल गया, एक ही बात है। अरे ये ललुआ हमको कुत्ता बोला है, इसका इतना मत, लेकिन गलती भी तो मेरा ही है, ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गए थे इसीलिए डस्टबिन से काजू निकाल लिए, ये ध्यान ही नहीं दिए कि हमारा ही बेइज्जती हो जाएगा, ये काजू हम इसे भी खाते थोड़ी ना, पगला है हम भी। अरे ये ललुआ का घर तो काफी बड़ा है रे, इसका घर तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे इस लोग का छत कितना ऊंचा है रे, मस्त नजारा है, काफी बड़ा छत है भाई, हवा भी बहुत बढ़िया चल रहा है, आज से पहले हम इतना ऊंचाई वाला घर पे कभी नहीं आए, पहली दफा आए है। I am a disco dancer, तुरुरुरु। अरे ये आंटी जी कौन है, अपनी बेटी को हमको काय दिखा रही है, ये तो हमको जानती भी नहीं है, इतना घूर घूर के काय देख रही है हमको, और हंस भी रही है दांत निकाल के, हमको पागल तो नहीं समझ रही है? लेकिन अगर हमको पागल समझेगी तो अपनी बेटी को काय दिखा रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा डांस उस लोग को पसंद आ गया है, पूछ के देखते है। अरे आंटी जी काय देख रहे हमको, काय अपना बेटी को दिखा रहे हमको? अरे आंटी जी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, खाली हंस रही है, हमको पागल समझ रही है लगता है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हारा स्कूटी अभी तक आया नहीं, इतना देर से बुलाया है, स्कूटी क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा? कहाँ स्कूटी, कहाँ चलेगा घूमने, 5 बज गया है, तुम्हारे पास स्कूटी है भी कि नहीं? हम तो कह रहे हैं तुम्हारा मस्त कार पड़ा उस पे लेके चलो, हम आगे वाला सीट पे बैठेंगे, क्यों नहीं लेके चल रहे हो? तुम ही ना कह रहे थे तुमको कार चलाने आता है, तो फिर क्यों नहीं चल रहे हो? आंटी जी मना किया क्या? आंटी जी हम लोग को जाने दीजिए कार में, कार लिए तो कार चलाने भी दीजिए, घर में रख के क्या कीजिएगा, बच्चा चलाएगा घूमेगा ऐश करेगा, दुआ देगा आपको, हम भी देंगे, हम गरीब है, गरीब का दुआ लेना चाहिए। आप लोग खाली पैसा कमा लेते हैं उसके बाद उसका चौकीदारी करते हैं, ये सही बात नहीं है, उसको यूज करना सीखिए, नहीं तो मजा कोई और ले लेगा, कमाइएगा आप लोग। अब ले जा कार, चलो ले ललुआ, तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, चाबी निकालो चलते हम लोग। हाँ हाँ मम्मी अब तो कार ही निकलेगी, अब स्कूटी चाहिए भी नहीं, बोल दीजिएगा चाचा को। चलो रे काला कद्दू और गोरा कद्दू, चलो उसी कार में बिठाते हैं तुमको, जिस कार में बैठने का तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं है। चलो बाहर हम कार निकाल रहे हैं, गेट खोलो और बताना हमको पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। अरे काय ललुआ तुमको डर लगता है क्या, चीप देना जो